एक गांव में राली नाम की लड़की रहती थी। गोरा रंग, माथे पर लाल बिंदिया व हाथों में चांदी की चूड़ियां खनकाती। राली सबको प्रिय थी। रंगमंच पर उसका नृत्य देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते। एक दिन उसके पिता के पास राणा सिंह आया। वह उसी गांव में रहता था। उसने राली के पिता से कहा, मैं आपकी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। राणा सिंह के पास धन दौलत की कमी न थी। राली के पिता ने तुरंत हामी भर दी। राली राणा सिंह की पत्नी बन गई। कुछ समय तो सुखपूर्वक बीता, किंतु धीरे धीरे राणा सिंह को व्यवसाय में घाटा होने लगा। देखते ही देखते राणा सिंह के घर में गरीबी छा गई। राली को भी रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर निकलना पड़ता था। इस बीच उसने दो बेटों को जन्म दिया। राली को बेटों से बहुत उम्मीद थी। वह दिन रात मेहनत मजदूरी करती, गांव वालों के धान कूटती ताकि सबका पेट भर सके। राली भगवान से प्रार्थना करती कि उसके बेटे योग्य बने, किंतु बेटे बहुत अधिक आलसी थे। उन्हें केवल अपना पेट भरना आता था। माता पिता के कष्टों से उनका कोई लेना देना नहीं था। राली ने मंदिर में ईश्वर से प्रार्थना की कि उसे एक मेहनती व समझदार पुत्र पैदा हो, परंतु उसने बालक की जगह एक सांप को जन्म दिया। जन्म लेते ही सांप जंगल में चला गया। राली अपनी फूटी किस्मत पर रोती रही। राली के बेटे उसे ताना देते, तुम माँ हो या नागिन, एक सांप को जन्म दिया। राणा सिंह के समझाने पर भी लड़कों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। कोई कोई दिन ऐसा भी आता जब घर में खाने को कुछ न होता। बेटे तो मांग मूंग कर खा आते। राणा सिंह और राली अपने सांप बेटे को याद करके रोते। एक रात राली को सपने में वही सांप दिखाई दिया। उसने कहा, माँ मेरी पूंछ सोने की है, मैं रोज घर आऊंगा, तुम मेरी पूंछ से एक इंच हिस्सा काट लिया करना, सोने को बेचकर घर का खर्च आराम से चलेगा। राली ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, ना बेटा, अगर मैं तुम्हारी पूंछ काटूंगी तो तुम्हें पीड़ा होगी। नहीं माँ, मुझे कोई दर्द नहीं होगा, सांप ने आश्वासन दिया और लौट गया। अगले दिन सचमुच सांप आ पहुंचा। राली ने कमरा भीतर से बंद कर लिया। डरते डरते उसने चाकू से पूंछ पर वार किया। सचमुच उसके हाथ में सोने का टुकड़ा आ गया। सांप की पूंछ पर कोई घाव भी नहीं हुआ। माँ से दूध भरा कटोरा पीकर सांप लौट गया। राली ने वह सोना बेचा और घर का जरूरी सामान ले आई। शाम को खाने में पीठा व लड्डू देखकर लड़के चौंके। राली ने झूठ बोल दिया कि उनके नाना ने पैसा दिया था। इसी तरह सांप आता रहा और राली घर चलाती रही। उसका झूठ ज्यादा दिन चल नहीं सका। बेटों ने जोर डाला तो राली को पैसों का राज बताना ही पड़ा। बड़ा लड़का दुकाते हुए बोला, मूर्ख माँ, यदि हमारे सांप भाई की पूरी पूंछ सोने की है तो ज्यादा सोना क्यों नहीं काटती? छोटा बोला, हाँ इस तरह तो हम कभी अमीर नहीं होंगे। रोज थोड़े थोड़े सोने से तो घर खर्च ही पूरा पड़ता है। राली और राणा सिंह चुपचाप बेटों की बातें सुनते रहे। बेटों ने माँ पर दबाव डाला कि वह कम से कम 3 इंच सोना अवश्य काटे ताकि बचा हुआ सोना उनके काम आ सके। राली के मना करने पर उन्होंने उसकी जमकर पिटाई की। बेचारा राणा सिंह चिल्लाता ही रहा। रोते रोते राली ने मान लिया कि वह अगली बार ज्यादा सोना काटेगी। अगले दिन सांप बेटे ने दरवाजे पर हमेशा की तरह आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, मैं हूँ आया, तुम्हारे लिए सोना हूँ लाया, क्या तुमने खाना भरपेट खाया? सदा की तरह राली ने भीतर से ही उत्तर दिया, मेरा बेटा जग से न्यारा, माँ के दुख समझने वाला, क्या हुआ गर इसका है रंग काला। सांप भीतर आया, राली ने उसे एक कटोरा दूध पिलाया।
बेटों की मार से उसका अंगन दुख रहा था। उसने नजर दौड़ाई, पांचों बेटे दरारों से भीतर झांक झांक कर उसे जल्दी करने को कह रहे थे। राली ने चाकू लिया और पूंछ का 3 इंच लंबा टुकड़ा काट दिया। अचानक चाकू लगते ही पूंछ से खून की धार बह निकली। सांप बेटा तड़पने लगा और कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। राली बेटे की मौत का गम मनाती रही। वह 3 इंच टुकड़ा भी मांस का टुकड़ा बन गया और बेटों को अपने लालच का फल मिल गया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।